राम राम जी, आप सबका स्वागत है हमारे अचार 19 देसी रसोई में। आज हम बनाएंगे भुने हुए चने के लड्डू। ये मैंने लिए हैं आधा किलो भुने हुए चने, एक बड़ी कटोरी गुड़, एक कटोरी घी और कुछ ड्राई फ्रूट्स। इस प्रकार हाथ से मसल कर चने के छिलके उतार दें, आसानी से उतर जाएंगे। छिलका उतर गया है, अब मिक्सी जार में डालकर पीस लेंगे। अब आटे वाली छलनी लेकर छान लेंगे। अब ये जो बच गया है इसको दोबारा से पीस लेंगे। अब कढ़ाई गरम करें, और एक कटोरी पानी डाल देंगे। पानी गर्म होने के बाद गुड़ डाल देंगे। गुड़ अच्छे से पक गया है, अब 2 बड़ी चम्मच घी डाल देंगे। घी मेल्ट हो गया, अब आटा डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट तक धीमी आंच पर पका लेंगे, क्योंकि चने पहले से ही भुने हुए हैं। बैटर तैयार है, अब इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। धीमी आंच पर 2 मिनट और पकाएंगे। अब किसी बर्तन में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। आटा ठंडा हो गया है, अब अपने हिसाब से छोटे बड़े लड्डू बना लें। ये लड्डू बच्चों की भूख बढ़ाते हैं और खून की कमी पूरी करते हैं, और इतने स्वादिष्ट बनते हैं बच्चे कभी भी खाने के लिए मना नहीं करेंगे। इस प्रकार से हेल्दी एवं टेस्टी लड्डू बनाकर छोटे बड़े सभी खाएं। ये लड्डू खाने से शरीर में ठंडक मिलती है। कमजोरी और थकान दूर होती है। ये लड्डू खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं और खून साफ होता है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।